देश की राजधानी दिल्ली के शिक्षा निदेशक उदित राय का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो के सामने आने के बाद वह विवादों में घिर गए। वीडियो में उदित राय दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में छात्रों से एग्जाम के दौरान किसी भी तरह से आंसर शीट भरने के लिए कह रहे हैं। 12वीं के छात्रों से बातचीत के दौरान दिल्ली के शिक्षा निदेशक उदित राय ने कहा कि CBSE से कहा गया है कि अगर छात्र अपनी आंसर शीट में कुछ लिखते हैं तो उन्हें अंक दें। इस वीडियो के सामने आने के बाद BJP और कांग्रेस ने आप सरकार पर निशाना साधा है, जबकि दिल्ली सरकार के सीनियर अधिकारियों ने कहा है कि उदित राय की टिप्पणियों को गलत संदर्भ में लिया गया है। बता दें कि वीडियो में राय 12वीं के छात्रों को आंसर शीट भरने का निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में शिक्षा निदेशक ने कहा, यदि आप आंसर नहीं जानते हैं तो भी कुछ भी लिख दें, लेकिन आंसर शीट को खाली ना छोड़ें, चाहे तो प्रश्नों को कॉपी करके लिख दें। हमने आपके टीचर से बात की है और उन्होंने कहा है कि वे आपको मार्क्स देंगे, बशर्ते कि आपने आंसर शीट में कुछ भी लिखा हो। राय ने आगे कहा कि हमने CBSE से कहा है कि यदि कोई बच्चा कुछ लिखता है तो उसे मार्क देना जरूरी है। वहीं कई बार कोशिश करने के बावजूद भी उदित राय ने वायरल वीडियो पर कोई टिप्पणी नहीं की। CBSE के अधिकारियों ने भी इस मसले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि शिक्षा विभाग इस वीडियो का संदर्भ बता सकता है। उधर दिल्ली BJP के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार ने ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा, क्या आप जवाब के बजाय सवाल लिखकर भारतीय प्रशासनिक अधिकारी बन गए या दिल्ली में शिक्षा का स्तर है? जबकि दिल्ली कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि केजरीवाल जी या किस तरह का शिक्षा मॉडल है, छात्रों के भविष्य से खेलना बंद करो। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।